आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए उदयपुर आए मंत्री मुरारी लाल मीणा और इसके साथ ही भजनलाल जाटव के सामने अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे नेताओं के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट देखने को मिले। मामला बढ़ता देखकर वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बचाव करने के मामले को शांत किया गया। बीच बचाव करके और समर्थक मंत्रियों के सामने अपने अपने नेता को टिकट देने के लिए नारेबाजी करते नजर आए, जिससे कि मंत्री भी पशुपेश में दिखे। आपस में एक दूसरे से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे की यह तस्वीर उदयपुर के सूचना केंद्र परिसर की है, जहां कांग्रेस की उदयपुर जिला इकाई के कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए आए मंत्री मुरारी लाल मीणा और भजन लाल जाटव के सामने ही नेताओं के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। दरअसल सूचना केंद्र सभागार में आज शहर जिला इकाई के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान नेताओं ने दावेदारों को सुना, साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने की सीख दी। लेकिन मंत्री और नेताओं की ये सीख चंद मिनट में ही हवा हो गई। बैठक के बाद जब मंत्री मीणा और जाटव सूचना केंद्र से रवाना होने लगे, तो उनके सामने ही टिकट के दावेदार राजीव सुहाल का और दिनेश श्रीमाली के समर्थक नारेबाजी करने लगे। और बात बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की और मारपीट तक जा पहुंची। वह मौजूद पुलिस और शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया और दिलचस्प ये रहा कि इसके बाद भी नेताओं ने एकजुटता का दावा किया। कार्यकर्ताओं में उदयपुर शहर में टकराव नहीं, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस शहर में उदयपुर की जीत नजर आ रही है। ये टकराव नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का जोश है। जिस तरह से आप देख रहे हैं हुजूम उमड़ रहा है कार्यकर्ताओं का, और खासकर हमारे सभी आवेदनकर्ता, जितने आवेदनकर्ता उनके साथ में आए हुए हैं, कुछ युवा हैं, और सभी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ आए हैं। और पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी, कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर उस प्रत्याशी को जिताएगी किसी भी हालत में। शहर ये कार्यकर्ताओं का जोश है, आपस में कार्यकर्ता नारेबाजी कर लेते हैं, चुनावी माहौल है, बाकी हमारे में कोई फर्क नहीं है। ये चुनाव नहीं चल रहे कांग्रेस पार्टी, हम सब भाई, ये तो चुनावी माहौल है, थोड़ी बहुत गुलाब तो उठती है। वहीं बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों के सामने स्थानीय कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारने की वकालत की। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में पार्टी उदयपुर में मजबूत हो रही है, ऐसे में स्थानीय नेता को टिकट दिया तो जीतने की संभावना ज्यादा होगी। मैं तो आदरणीय बड़े नेताओं को कहना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेज रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि हम कार्यकर्ता के लिए ये सीट हम चुनाव जीतेंगे, यहाँ का कार्यकर्ताओं का तो चुनाव जीतेंगे। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी नहीं करें जी, ये माहौल खराब होगा और आगे भी इस तरह से आपस में भाई भाई झगड़ने लग जाएंगे, कार्यकर्ता झगड़ने लग जाएंगे। वहीं समर्थकों के बीच हुए टकराव पर सफाई देते हुए मंत्री भजनलाल जाटव दलील देते दिखे कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कोई टकराव नहीं है, सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बाहरी दावेदार को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि अगर पार्टी के सर्वे में स्थानीय नेताओं के मुकाबले बाहरी दावेदार जिताऊ हुआ तो उसे टिकट मिलेगी। कांग्रेस का छोटा सा छोटे कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, क्योंकि लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में तो लोकतंत्र ही नहीं है, उनके अंदर तो ना तो जो उनके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति होती है, हमारे यहाँ निर्वाचित होते हैं, ये उनकी बात अलग है, परंतु हमारे यहाँ हम लोग डेमोक्रेटिक तरीका से, लोकतांत्रिक तरीका से हम लोग यहाँ जनता के बीच में आए हैं, उनसे आवेदन प्राप्त करेंगे और हमारे हाईकमान को अवगत कराएंगे।
कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी और नेताओं के बीच मनमुटाव के चलते उदयपुर में बीते दो दशकों से पार्टी को विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है। पर इस बार भी चुनाव से पहले हालात कमोबेश वैसे ही नजर आ रहे हैं। अगर समय पर पार्टी आला कमान ने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के साथ एकजुट नहीं किया तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए उदयपुर शहर की सीट से जीत दर्ज कर पाना और मुश्किल हो जाएगा। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।